कढ़ी खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इसे बनाने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है। बिना बेकिंग पाउडर और बिना मीठा सोडा के। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम कम समय में बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी गाढ़ी कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। तो चलिए इसका बनाने का तरीका देख लेते हैं। कढ़ी का पकौड़ी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप बेसन डालेंगे। बेसन में 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मसालों के साथ बेसन को मिला लेंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर बेसन को मिला लेंगे जिससे बेसन में एक भी लम्स ना रहे। बेसन को चलाते हुए इस तरह मिला लेंगे। बेसन का इस तरह गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे और अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। और चलिए एक दूसरे बर्तन में हम 1 कप दही लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए हम खट्टे दही का यूज़ करेंगे। कढ़ी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच दही में बेसन डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से मिला लेंगे जिससे कढ़ी बैटर में एक भी लम्स ना रहे। यहाँ मैंने बैटर को अच्छी तरह से मिला लिया और ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनके तैयार हो गया। हम इसमें 1 कटोरी और पानी डालेंगे। पानी डाल करके एक बार फिर से मिला लेंगे। बैटर हमारा अभी भी गाढ़ा है, हम इसमें और 1 कटोरी पानी डालेंगे। कढ़ी बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया और अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें तेल डालेंगे। कढ़ी का पकौड़ी बनाने के लिए तेल को गर्म होने देंगे। पकौड़ी बनाने के लिए गरम तेल में चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। आप चाहे तो हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह चम्मच से चलाते हुए सारे पकौड़ी को अलग अलग कर लेंगे। कढ़ी के पकौड़े को अच्छे से पलटते हुए हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। कढ़ी के पकौड़ी को हम लाइट ब्राउन होने तक या सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पकौड़ी में सुनहरा कलर आ गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम बाकी बचा हुआ बैटर का भी पकौड़ी डाल करके फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने सारे पकौड़ी को फ्राई करके निकाल लिया है। कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डालेंगे। कढ़ी के तड़के में हम 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने से कढ़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कढ़ी में बहुत ही अच्छा रंग आता है। सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से मिला लेंगे और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और अब हम कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी का घोल या बैटर डालेंगे। कढ़ी का घोल डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। कढ़ी डालकर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे मिलाते हुए पकाएंगे। हाई फ्लेम पे कढ़ी को पकाने से दही हमारी फटेगी नहीं और कढ़ी हमारी बिल्कुल क्रीमी और स्मूथ बनेगी। ये देखिए दोस्तों कढ़ी हमारी अभी पतली है। हम इसे कंटिन्यू मिलाते हुए पकाएंगे जिससे कढ़ी हमारी बिल्कुल गाढ़ी और थिक हो जाएगी। ये देखिए कढ़ी हमारी गाढ़ी हो गई है और ये काफ़ी पहले से थिक भी हो गई है। इस टाइम पे हम इसे चलाते रहेंगे। कढ़ी हमारा काफ़ी गाढ़ी होते जा रही है और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमें इसे चलाते हुए और गाढ़ा करना है। कढ़ी बनाने का ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है।
आप इसे इस तरह गाढ़ा होने पर भी कंटिन्यू चलाते रहें और इसे और गाढ़ा होने दें। इस तरह कढ़ी का कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो कढ़ी आपका कम समय में ही बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस ट्रिक से मैं काफ़ी वर्षों से अपने घर में कढ़ी बना रही हूँ। ये कम समय में बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है और इसका स्वाद मेरे साथ मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो आप भी इस ट्रिक से एक बार कढ़ी ज़रूर बना के देखें। इस तरीके से बना कढ़ी मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। कढ़ी को हाई फ्लेम पे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और कढ़ी हमारा आधे से भी कम क्वांटिटी में हो गया है और ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पे 2 कप पानी लिया है। पानी डाल करके कढ़ी को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और हाई फ्लेम पे कढ़ी में 1 से 2 उबाल आने देंगे। और ये देखिए दोस्तों कढ़ी में उबाल आ गया है और इस टाइम पे हम इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े ऐड करेंगे। पकौड़ी डाल करके कढ़ी को हम एक बार फिर से मिला लेंगे। पकौड़े डाल करके कढ़ी में उबाल आने देंगे। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ रहा है और पकौड़े भी हमारे फूल के डबल हो गए हैं। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और ये लीजिए कढ़ी हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ी अभी पतला है लेकिन दोस्तों ये जैसे जैसे कढ़ी ठंडा होगा वैसे ही ये और भी गाढ़ा होते जाएगा। तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। तड़का पैन गर्म हो गया, हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। आप चाहे तो अपने पसंद का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के के लिए तेल में 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को तेल में क्रैक होने देंगे और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे। 10 से 12 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता से कड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें तड़के के टाइम पे ही कड़ी पत्ता ऐड करें जिससे कड़ी पत्ता का फ्लेवर कड़ी में बहुत ही अच्छा बना रहता है। हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। कड़ी के लिए तड़का तैयार हो गया है और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलिए कड़ी में हम तड़का लगा लेते हैं। गरम कड़ी में हम अब तड़का डालेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने कड़ी में तड़का डाल दिया है और अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये देखिए कम समय में हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी और गाढ़ी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। आप इसे चावल चपाती किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए दोस्तों कम समय में कढ़ी पकौड़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। और ये रेसिपी आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।